आज हम लोग नरसिंह मेहता का चरित्र ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर चरित्र है, पढ़ के हृदय द्रवित हो जाता है। और इनका कितना विश्वास था भगवान में और कितना समर्पण था। इन्होंने भगवान की, दुनिया में कुछ भी होता रहा पर इन्होंने भगवान के अलावा ना तो किसी को कोई चीज़ देखी और ना किसी को देखा। इनके लिए सब कुछ भगवान थे बस। इनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, कई परेशानियाँ आईं, पर ये केवल भगवान के आश्रय रहे। पिछले जन्म में ये राजा मुचकुंद थे और मुक्त थे, पर भगवान ने कहा कि तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। भगवान चाहते थे कि ये भक्ति का प्रचार करें और एक जन्म और लें। तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो जन्म नहीं लेना चाहता। तो भगवान ने कहा जब जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं आ जाऊँगा। तो इनकी भक्ति पिछले जन्म से चली आ रही थी। तो बहुत ही सुंदर चरित्र है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा भक्त चरित्र नरसिंह मेहता का है। इनके प्रेम, सादगी, विश्वास व श्रद्धा अतुलनीय थे। और उनके इस विश्वास और सादगी से हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार होता। इनका जन्म 1470 में जूनागढ़ के एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1470 में ये पिता कृष्ण दामोदर दास व माता लक्ष्मी गौरी के कनिष्ठ पुत्र थे। ये पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास, माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। ये लोग दो भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम था वंशीधर और इनके बड़े भाई 22 साल के थे और ये 5 साल के थे। इनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था और इनके भाई भाभी ही और दादी इनका वो करती थी इनकी देखभाल। इनके भाई की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही कर्कशा थी। की पत्नी का नाम था द्रुत गौरी। नरसिंह मेहता जो थे बचपन से गूंगे थे, ये बोल नहीं सकते थे। तो ये 5 साल के हो गए थे। इनकी दादी बहुत चिंतित रहती थी और बड़ी भक्त थी, तो जगह जगह महात्माओं के पास लेके इनको घुमा करती थी। रोज़ की तरह जब ये अपने पोते को लेके, नाती को लेके मंदिर में रोज़ जाया करती थी। तो जब ये लेकर गई एक दिन तो उन्होंने देखा एक महात्मा बैठे हुए हैं, शिव जी के दर्शन करने जाया करती थी। तो देखा एक महात्मा बैठे हुए हैं और उनके मुँह से नारायण 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 का जप निकल रहा है। तो इनकी भाई जो थी जय कुमरी भाई, उन्होंने कहा, उनको लगा कि इन महात्मा से कहना चाहिए, ये कुछ सिद्ध लग रहे हैं। तो उनके पास गई और उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरा ये पोता जो है ये भूल नहीं सकता बचपन से, आप कुछ कृपा कीजिए। तो महात्मा जी ने ध्यान से इनकी तरफ देखा, नरसिंह मेहता की तरफ, बोले ये तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। उन्होंने उस कमंडल में से जल लिया, उनके ऊपर छिड़का और कहा कि इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बड़ा भक्त बनेगा। और उन्होंने उसके कान में मंत्र फूका, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो जैसे उन्होंने राधे कृष्ण कहा, कान में फूका, तो वैसे ही बच्चा बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तालियां बजने लगी। उसकी दादी भी अचंभित रह गई कि ये क्या हुआ। महात्मा बड़े दीन थे तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं करा, ये सब भगवान की कृपा है। नरसिंह मेहता की जो दाती थी उन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ और इसको आप भगवान की कृपा समझिए, मेरी कृपा नहीं, सब भगवान की कृपा है। और उन्होंने कहा आप भगवान का नाम कीर्तन और भजन करिए और भगवान में मन लगाइए, मेरी आपसे यही प्रार्थना। जब उन्होंने अपने बड़े बेटे को सारा वृतांत सुनाया तो उन्होंने सारे सिपाहियों को भेजा कि उन महात्माओं को खोज के लाओ, पर महात्मा अदृश्य हो गए। ऐसा लगा कि नरसिंह मेहता का वाणी वापस लाने के लिए, उनको बोलने के लिए भगवान स्वयं भगवान आए थे महात्मा के रूप। अब क्या हुआ कि अब थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि उस समय भारत के राज में हुमायूं राजा था और जूनागढ़ के जो शासक थे वो क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम मंडलिक था। और ये वंशीधर जो थे इसके बड़े भाई नरसिंह मेहता के, ये 100 रुपये मासिक, मतलब इनको 100 रुपये महीने वेतन मिलता था और ये वहाँ थानेदार थे। और इन्हें गाड़ी और घोड़ा गाड़ी और सब सारी नौकर चाकर खूब फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। तो इनकी जो पत्नी थी दुर्गत गौरी वो बड़ी कर्कशा थी और उसको अपने पति के थानेदार होने का बड़ा घमंड था। अब दादी चाहती थी, दादी 95 ईयर्स की हो गई थी,
तो वो चाहती थी कि मेरे मरने से पहले इस लड़के का विवाह हो जाए, नरसिंह मेहता का। तो नरसिंह मेहता उस समय 9 साल के थे और 7 साल की लड़की मणिक गौरी से इनका विवाह करा दिया गया। पहले बाल विवाह खूब हुआ करते थे, अब तो बाल विवाह नहीं होते। अब बताइए 9 साल के बच्चे को अकल ही कितनी होती है, और 7 साल की लड़की। वंशीधर जो थे वो ही इनका लालन पालन करते, और उनकी पत्नी दुर्गत गौरी। अब उन्होंने बहुत कोशिश करी वंशीधर ने कि ये बच्चा पढ़े लिखे, नरसिंह मेहता पढ़े लिखे, पर उनका पढ़ने लिखने में, उन्होंने स्कूल में भी एडमिशन कराया पर इनका पढ़ने लिखने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। ये रात दिन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते रहते थे। अब ये रात दिन भगवान का भजन करते राधे कृष्ण, और शिव जी के उमा महेश्वर के मंदिर में जाया करते और पूजन करा करते, और जितने भी भागवत पुराण हुआ करती उन्हें बड़े ध्यान से सुनते, और जितने भी महात्मा लोग भागवत कहते या आते तीर्थ करके तो सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। भागवत और जो पुराणों की कथा होती उन्हें भी बड़े ध्यान से सुनते, और भगवान के नाम पे संकीर्तन पे एकदम मस्त होके नाचा करते, और नाचते नाचते बेहोश हो जाते और कई कई दिन तक घर नहीं जाते, वहीं कीर्तन मंडली में वहीं मंदिर में पड़े रहते। जहाँ कथा भागवत होती वहीं पड़े रहते। इनके भाई भौजाई उन्हें इस बात पे बहुत डांटा भी करते पर उन पर कोई असर नहीं होता। भक्त नरसिंह ने पढ़ना लिखना खाना पीना सोना खेलना कूदना दुख सुख निंदा स्तुति सब कुछ एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। उन्होंने पढ़ना लिखना खेलना कूदना सोना दुख सुख निंदा स्तुति सब एक भगवान के प्रेम के ऊपर वार दिया था। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरा भगवान से प्रेम हो। उनको पहले से ही प्रेम प्राप्त था। उनको उनकी जो भौजाई थी वो उनको कष्ट पहुंचाने में कुछ कमी न रखती। एक दिन उनको घर का झाड़ू पोंछा खाना वाना बनाना तो उनकी पत्नी को मणिक गौरी को काम दे रखा था, और उनकी जो घुड़साल थी, जैसे हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, उसकी सारी सेवा ये करते थे नरसिंह मेहता। तो एक दिन जब ये सेवा करके आए तो इन्हें बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी, तो उन्होंने खाना मांगा, तो इनकी भाभी ने दूसरे दिन की रखी हुई सूखी रोटियां उनके आगे पटक दी। तो उनकी जो पत्नी थी मणिक गौरी उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब सारा दिन मेहनत करके मेरे पति आए हैं अच्छे परिवार के हैं और उनको ये दे रही हैं भाभी। तो उसकी भाभी जो थी वो एकदम आग बबूला हो गई और बोले कि काम तो होता नहीं है, भजन में साधु और खाने में भी बड़े साधु बनते हैं और वैसे अच्छे अच्छे खाने को चाहिए, तो जहाँ अच्छा अच्छा खाने को मिले तो वहीं चले जाओ। फिर जब ये मणिक गौरी 16 साल की हुई तो उनको एक पुत्री कुंवरी बाई प्राप्त हुई, और इनके एक पुत्र हुआ श्यामल शाह। तो इनके एक बेटा और एक बेटी हो गई और इनका परिवार बड़ा हो गया। अब इनकी दादी को चिंता हुई कि इन दोनों की शादी हो जाए कैसे, इनकी तो शादी हो ही गई बेटे की, तो अब बेटी की भी शादी हो जाए कुंवरी बाई। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा वंशीधर से कि भी इसकी भी शादी करा दो। काठियावाड़ के ऊना गांव के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरी बाई का विवाह निश्चित हुआ। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और उसके 3 मास बाद दादी जय कुंवरी बाई शांतिपूर्वक संसार से विदा हो गए। फिर लड़के की भी शादी करा दी और लड़की की भी शादी करा दी। फिर इनकी भाभी ने फिर इनको एक दिन बहुत बुरी तरह खाना दिया और चिल्ला के और आग बबूला होके, और फिर कहा कि पति पत्नी से कि अगर तुम लोगों को अच्छे अच्छे खाने चाहिए तो घर से निकल जाओ, और बहुत बुरी तरह उनको कहा। अब इनके पति जो थे वंशीधर वो भी आ गए अपने मतलब काम से थानेदार के काम से, तो उन्होंने भी कहा कि पढ़ता लिखता तो है नहीं कुछ काम काज करता नहीं है और खाने को इनको अच्छा चाहिए, 4-4 लोगों को कौन खिलाए। तो वो भी अपनी पत्नी के साइड हो गए और उन्होंने कहा निकल जाओ तुम लोग सब यहाँ से। तो भाई भाभी ने दोनों ने मतलब छोटे भाई और पत्नी और उनके बच्चों को निकाल कर बाहर कर दिया। अब ये जाकर चौराहे पर चबूतरे पर लेट गए, कोई तो मुझे बुलाने आएगा। रात भर बीत गई कोई बुलाने नहीं आया। फिर ये भगवान को पुकारते हुए चल दिए
घोर जंगल में पहुंच गए, 12 किलोमीटर चलते रहे। फिर वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ पर ये उस पर सर टेक के लेट गए, सिर रख के बैठ गए, लेट गए। और उन्होंने कहा, भगवान जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं भूखा प्यासा यहीं पड़ा रहूँगा। और भगवान को पुकारते रहे। उन्होंने कहा, मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, आपको बेलपत्ता चढ़ाता हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ कितने सालों से, आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? तो इन्होंने बहुत प्रार्थना करी भगवान से और बहुत दीन होकर भूखे प्यासे 7 दिन तक पड़े। भगवान शिव जी तो वैसे ही भक्त वत्सल, एकदम उनका आसन हिल गया और वो प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो उनका कुछ तो चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा, आपको जो प्रिय हो शिव जी से, उन्होंने कहा आपको जो प्रिय हो वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझे तो भगवान की रासलीला सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो उन्होंने कहा, वो उसी के दर्शन करा दिए भगवान शिव जी, उनको भगवान कृष्ण क्या लेके गए। अब भगवान कृष्ण को द्वारिकापुरी में लेके गए तो उनकी द्वारिकापुरी की शोभा जो है वो देखते नहीं बनती थी। वहाँ तो बिल्कुल जैसे पूरा प्रकाश ही प्रकाश था और सोने की छत, हीरे जवाहरात, और इतना सुंदर सब कुछ, इतना सुंदर कि वो देखते एकदम विवल हो गए। नरसिंह मेहता बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैभव था, उनकी रानियाँ, उनकी पूरी सभा लगी हुई थी भगवान की। तो ये जैसे शिव जी आए तो सब लोग खड़े हो गए। तो शिव जी ने कहा कि ये मेरा भक्त है और मैं इसको लेकर आया हूँ, मैं इसको आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान ने उनको उनको कृपा से अपनी चरण में ले लिया। अब जब रास की बारी आई तो रास जब होने लगा, नरसिंह मेहता को गोपी वेश बना दिया और उनको रास के बीच में खड़ा कर दिया, और इनके हाथ में एक दीपक भी था। तो इतने तन्मय हो गए भगवान के रास में और भजन गाने में, इतने तन्मय हो गए कि इनका हाथ जो है वो दीपक के साथ जलने लगा और मशाल की तरह जलने लगा, पर इन्हें होश ही नहीं था। अब सोचिए, हमारा जरा सा हाथ जल जाता है तो कितनी जलन होती है, और इनका हाथ मशाल की तरह जलने लगा और इन्हें होश ही नहीं था। तो जैसे रास तुरंत थोड़ा विश्राम पाया तो सबने देखा कि इनका तो हाथ जल रहा है, भगवान ने भी देखा तो भगवान ने इनका इलाज किया और भगवान ने प्रसन्न होकर इनको अपना पीतांबर उड़ाया और इनको अपना एक तंबूरा दिया और इनको अपना मुकुट पहना दिया। तो रुक्मणी जी ने अपने गले का हार उतार कर भक्तराज को पहना दिया। और एक दिन भगवान की चरण सेवा करते करते भक्तराज ने सोचा कि सौभाग्यशाली सेवा मुझे अपनी भौजाई के कृपा से मिली है, वो मुझे बुरी तरह ना करती, लताड़ती नहीं, तो मैं कैसे आता यहाँ। तो कहते हैं ना गुरु, द्वेष करने वाला भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान की तरफ धकेलता है। तो इन्होंने, सब लोगों ने इनको काफ़ी बुरी तरह करा पूरे जीवन, पर इन्होंने, इनका दृष्टि केवल भगवान की तरफ रहती थी, इन्होंने किसी से द्वेष नहीं करा, कहीं भी किसी से द्वेष नहीं करा। उन्होंने कहा, मुझे अपनी भाभी की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ है तो मुझे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि अब तुम जाओ पृथ्वी पर। तो उसने कहा, भाई मैं तो आपकी शरण में आ गया, आपकी सेवा में आ गया, अब मैं क्यों पृथ्वी पर जाऊँ? तो भगवान ने कहा, नहीं, हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण है स्त्री पुत्र ऋण, दूसरा ऋण है पितरों का ऋण, और तीसरा ऋण है देवताओं का ऋण। तो ये 3 ऋण से जब तुम मुक्त हो जाओ तब मेरे पास आओ। भगवान ने कहा, सब काम मेरी पूजा मानकर करना, श्री विग्रह की सेवा करना, उन्हें करताल भी दिए, और मेरा कीर्तन करोगे तो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। भगवान ने कहा, तुम जाओ और जब तुम करताल बजाओगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के सभी कार्य कर दूंगा। भगवान के इस आश्वासन पर नरसिंह मेहता राजी हो गए। अब भगवान ने यहाँ पर उनको पीताम्बर दिया, मयूरपुच्छ दिया, मुकुट दिया और करताल दिए, और भगवान ने बार बार उनको चरणों में प्रणाम किया और वे तुरंत जूनागढ़ पहुंच गए। जब वो ये सब पहन के पीतांबर, करताल, मोरमुच्छ, मयूर पिच का मुकुट पहन के जब घर पहुंचे तो उनके भाई ने कहा, ये कौन सा वेश बना रखा है? और उन्होंने कहा, ये सब उतारो और कुछ काम काज करो। तो उन्होंने, उनको तो पता था भगवान कृष्ण ने दिए, बोले ये सब तो मैं नहीं उतारूँगा।
तो उन्होंने कहा निकल जाओ घर से। तो उनको, उनकी पत्नी को, दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। उस समय तब ये लोग रात भर अपना घूमते रहे, फिर एक धर्मशाला में पहुँचे। वो भगवान के आश्रित थे, भगवान आप जानो, दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं था। तभी भगवान को चिंता हो गई, तो भगवान जो थे अक्रूर जी को भेजा उन्होंने, सेठ बन के आए कि भगवान को आपकी बहुत चिंता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा रहने के लिए एक मंदिर और कुछ द्रव्य साधु सेवा के लिए। तो उनको एक मंदिर मन मिल गया, उसमें काफ़ी सारे रूम्स थे और अनाज और सब कुछ भरा हुआ था। और उनको 5,000 सोने की मोहरें मिली कि इनको तुम 3 साल तक चला। भक्तराज कुटुंब से बाहर धर्मशाला में जाके ठहर गए और आधी रात तक भजन करते रहे। अब जो मकान था उसके अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार गृह, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह पूर्ण व्यवस्था थी। भंडार गृह में 3 वर्ष के लिए पर्याप्त सामग्री भर दी, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। श्री भगवान के आज्ञा अनुसार 5,000 स्वर्ण मुद्राएं नरसी के व्यय के लिए देकर अक्रूर जी वहाँ से चले गए। पत्नी ने रसोई बनाई, वे सभी ने भोग लगाकर प्रसाद पाया तथा भगवान का योगक्षेम वाम्यम वचन अक्षर अक्षर सत्य देखकर सजल नेत्रों से उनका गुणगान कर किया। अब उनकी जो बेटी थी कुमरी बाई, उसकी शादी तो हो चुकी थी, गौना तो हो गया था, पर अब उनको लेने के लिए आए पुरोहित उनको ससुराल के लिए। अब उनको दहेज देना था। अब घर में खाने पीने को तो था नहीं, भगवान ने तो सब कुछ दिया था, उन्होंने पहले ही खर्च कर दिया, इतने उदार चित्त थे। तो मतलब उनकी पत्नी ने कहा, मणि गौरी ने, कि भाई कैसे हो, घर में तो खाने पीने को है नहीं, बेटी को दहेज कैसे दोगे। तो पुरोहित जी जो आए हुए थे वो 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, बोले दहेज का इंतज़ाम हो जाएगा तब भेजेंगे बेटी को। बोले आप इंतज़ाम तो कुछ करते नहीं हैं, आप तो खाली पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा 3 दिन हो गए थे, उन्होंने कहा अगर आज इंतज़ाम नहीं हुआ तो कल मैं बेटी को लेकर चला जाऊँ। तो शाम को ही नरसी मेहता जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर में करताल लेकर और पहुँच गए। पुरोहित जी कहने लगे ऐसे करताल बजाने से और उछलने कूदने से कोई दहेज इकट्ठा हो जाएगा। वो बैठे हुए थे वहीं पे देख रहे थे, तभी उनको एकदम आवाज़ सुनाई दी, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। उन्होंने हड़बड़ा कर देखा तो वहाँ पे साक्षात भगवान और लक्ष्मी जी वहाँ उपस्थित थे और सब लड़की को, मतलब उनकी बेटी को, सब कंगन पहनाए, हार पहनाया और खूब सारा दहेज उसके लिए लाए और सब कुछ देकर और अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी भी देखते रह गए ये क्या हुआ, वो भी एकदम श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। फिर सब कुछ दहेज वगैरह लेकर बिटिया विदा हो गई और पुरोहित जी भी उसको लेकर चले गए। अब भक्तराज जो हैं वो अपनी बेटी की शादी से फ्री हो गए, उसका दहेज भी चला गया। अब इनका जो बेटा था श्यामल शाह, वो 12 साल का हो गया। पहले तो चाइल्ड मैरिजेज हो जाया करती थी, तो इनकी पत्नी जो थी मणि गौरी वो कहने लगी कि अब बेटे का विवाह भी कर दो। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग तुम नाम के माता पिता हैं, असली माता पिता तो इनके नाम भगवान है, तुम चिंता छोड़ो और भगवान का भजन करो और अपनी सेवा करो, काहे को चिंता करती। तो इस पूरे प्रसंग में इनके नरसिंह मेहता के आप देखेंगे कि उन्होंने चिंता कभी नहीं करी। तो हमें भी अपनी सेवा करनी चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात, क्यों, भगवान करने वाले हैं सब कुछ, उनकी कृपा से होता है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, भगवान सब करा लेंगे, एक के बाद एक सब काम होते चले जाते हैं। उन्हीं दिनों गुजरात के बड़नागर नामक शहर में रहने वाले दीवान मदन मेहता की पुत्री झूठी बाई के लिए सुयोग वर की तलाश में उनके कुल पुरोहित जूनागढ़ में, जहां नागर जाति के 700 घर थे, द्रवादी के तथा मदन मेहता के एक मित्र सारंगधर के लिए पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ में बहुत सारे परिवार रहते हैं नागर जाति के, तो यहाँ पर अच्छा लड़का मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कोई अच्छा लड़का बताकर पुरोहित जी को दिखा दीजिए। तो सारंगधर जो है उन्होंने बहुत सारे लड़के दिखाए, तो किसी को तोतला, किसी को, किसी का मुँह टेढ़ा, किसी को काला, किसी गोरा,
किसी के यहाँ पैसा कम है, किसी की नौकरी ठीक नहीं है, किसी का काम ठीक नहीं है, पंडित जी ने सब लड़के रिजेक्ट कर दिए। अब ये चिड़ गए सारंधर जो थे, कहने तो कोई पसंद ही नहीं आता। उनको चलो ना मज़ा चखाता हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो जो यहाँ का मेन हेड है नरसिंह मेहता, मैं उनके यहाँ ले जाता हूँ। भगवान की विधि का विधान है। तो नरसिंह मेहता जो थे उनके घर में उस दिन कोई उत्सव था, तो खूब भजन कीर्तन हो रहा था और प्रसाद इत्यादि बट रहा था। तो जैसे ही जो पुरोहित उनके घर में प्रवेश किया, तो वहाँ की जो वाइब्रेशंस थी वो इतनी अच्छी थी कि वो एकदम प्रसन्न हो गए। उनका मन एकदम लगा कि यही सही जगह है। उनको भक्ति भाव, प्रेम, कीर्तन, भजन देख के वो प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा अपने बेटे को ले आइए। श्यामल शाह जो थे बड़े सुंदर थे, उनका रंग गोरा था और बड़े प्यारे से थे। उनको देखते वो खुश हो गए और उन्होंने सगाई पक्की कर दी। भक्त राज ने अपने घर की स्थिति बताई और कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है बिल्कुल। अब पंडित जी इतने इम्प्रेस हो गए थे, उन्होंने कहा सच्चा धन तो राम धन ही, भगवान का धन ही सच्चा धन है। और परमात्मा की कृपा से श्यामल शाह जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त अलौकिक तेजस्वी दिखाई पड़ा। पुरोहित जी ने तिलक कर दिया और उन्होंने बड़ नगर पहुंचकर सब बतलाया। तो मदन राय तो उत्साहित होकर बोले, जब कुल शील आदि सब तरह से योग है फिर धन की क्या चिंता। जब लड़का और कुल शील सब चीज़ योग्य है तो धन की क्या चिंता है। सभी ने झूठी बाई के सौभाग्य पर प्रसन्न होकर बधाई दी। अब सगाई तो हो गई। अब किसी ने नरसिंह मेहता के समधी को पत्र लिख दिया कि इनके यहाँ तो खाना खाने को भी नहीं है, आपने कहाँ अपनी बेटी की शादी कर दी। जो समधी जो थे वो बहुत ज़्यादा वो हो गए परेशान। उन्होंने कहा भी क्या करें। तो उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि भाई अगर आपने ठीक से बारात आपकी नहीं आई और हमारे योग नहीं हुआ तो मैं ये विवाह तोड़ दूंगा और अपनी लड़की की शादी कहीं और कर दूँगा। तो अब इनको तो कोई चिंता होती नहीं थी नरसिंह मेहता को। उन्होंने कहा भैया देखो, भगवान की लड़की, भगवान की शादी, भगवान जाने मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी लड़की की तरफ से तो खूब जोर शोर से तैयारियाँ चल रही थी। इन्होंने क्या किया, चार बूढ़े बैल और टूटी बैलगाड़ी और कुछ लोगों को लेकर ये चल दिए लड़की की शादी करने के लिए। अब भगवान को चिंता, भगवान को ही पुकार रहे थे। अब पत्र पढ़कर नरसिंह श्री कृष्ण मंदिर में करतार लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें चिंतामुक्त करते हुए बोले, वत्स किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं जानता हूँ ये सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की ही करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण करके सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा काम संपन्न करूंगा। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सला, बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। निश्चित तिथि पर नरसिंह मेहता माथे पे चंदन लगा, हाथों में करतार लिए पांच सात साधु के साथ बारात लेके चल पड़े। सभी नागर मनी मन हंस रहे थे, उनकी पत्नी मणिक बाई अधीर हो उठी। परंतु भक्तराज ने काहे की चिंता, बस कीर्तन करो और मस्त रहो। कुछ दूर जाने पे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बारात डेरा डाले पड़ी है। समीप जाके नरसिंह मेहता ने गदगद हो गृहस्थ रूप धारण किए भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मेरा भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उनके समक्ष उसी भाव से प्रकट हो जाता हूँ। या यथा मा प्रपतन्ते ताम सदैव भजामि, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से प्रकट हो जाता हूँ। वह चतुरंगिणी बारात सज धज कर रवाना हुई। स्वयं द्वारकाधीश की बारात में कमी किस बात की होती। निश्चित समय पर बड़ नागर पहुंचकर एक स्थान पर ठहरी। उस विलक्षण बारात को देखकर सभी सोच रहे थे कि अवश्य किसी चक्रवर्ती राजा की बारात है। बारात का आगमन सुन मदन राय के कुटुंबियों सहित स्वागत करने आए। नारायणी बारात की अपूर्व शोभा देखकर सभी चकित रह गए। मदन राय सोचने लगे, ये किसी साधारण मनुष्य की बारात नहीं लगती, मुझसे भारी भूल हुई जो मैंने इन्हें अभिमान भरा पत्र भेजा। इन्हें भोजन आदि सत्कार तो क्या, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुँचा सकता। ऐसे अतुल ऐश्वर्य के बीच भजन करते नरसिंह मेहता की सादगी व स्थिति को देख के मदन राय का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे मन ही मन अपनी भाग की सराहना करने लगे और उन्होंने उन सबका खूब सत्कार किया बारात का और अपनी लड़की का कन्यादान कर दिया। श्यामल शाह का
विवाह कार्य संपन्न करके सकुटुंब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए भगवान की लीला क्या होती है। अभी शादी हुई, समय का चक्र घूमता ही रहता है। धनवान को कंगाल और इष्ट पुष्ट को रोगी होते देर नहीं लगती। नरसी पर भी ये चक्र घूमा। एक दिन जिस श्यामल शाह का विवाह इतने धूमधाम से हुआ था, वह श्यामल शाह विवाह के कुछ समय बाद या अकस्मात सदा के लिए इस लोक से विदा हो। भक्त ने इस घोर संसारिक दुख को भी भगवत कृपा मानकर प्रेम सहित वरण किया। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नवविवाहित पुत्र वधु के वैधव जैसे महान संसारिक दुख से वह लेश मात्र व्यथित ना हुए, बल्कि पुत्र शोक कुल पत्नी को भी सांत्वना देते हुए पद गाने लगे। पति की दृढ़ता देख के उनके उपदेश से प्रभावित होकर मणिक बाई का शोक भी दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुलाकर आनंदपूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पूर्वज जीवन बिताने लगे। उन्हें मतलब कहते हैं ना, भगवान से हम प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ना आए। अब देखिए इनके जीवन में, तुकाराम के जीवन में कितने कष्ट आए, इनके जीवन में भी कितने कष्ट आए, पर प्रभु के सुमिरे दुख ना आवे, दुख ना व्यापे। अब इनके पिता का श्राप था तो इनके जो भाई थे वो इनको पिता के श्राप के लिए बुलाने आए। वंशीधर बुलाने आए, क्या पिता का श्राप है, तुम लोग जल्दी आ जाना। बोले मैं अपनी भजन पूजा करके आऊँगा। तो उनके भाई को गुस्सा आ गया कि भजन पूजा ही करता रहता है समय। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम पिता का श्राप खुद ही कर लेना। तो अब ये जो थे उनकी पत्नी ने कहा और तो सब सामान है, घी नहीं है, तुम घी ले आओ। अब ये घी मांगने गए बाजार में, किसी ने इन्हें घी नहीं दिया। तो एक दुकानदार जो था वो भक्तवत्सल था, उन्होंने कहा मुझे भजन सुना दो तो मैं आपको घी दे दूँगा, जितना चाहे घी ले जाना। अब ये भजन गाने बैठ गए वहाँ दुकान पर। तो भजन गाने बैठ गए तो खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि गाते ही इतना अच्छा था, डूब के गाते थे, और ये भी भूल गए कि पिता का श्राद्ध। उधर भगवान को चिंता हो गई, और इनकी पत्नी ने कि इनके पास पैसे नहीं थे तो एक सोने का अपना आभूषण भी दिया कि इसको बेचकर आप ले आना। अच्छा अब फिर क्या हुआ कि भगवान को चिंता हो गई तो भगवान नरसिंह मेहता का वेश धारण करके आ गए और पूरा श्राद्ध पूरा कर दिया। जब नरसिंह मेहता शाम को आए तो उन्होंने पत्रकार, मैं तो वहाँ भजन ही गाता रह गया, तुमने कैसे किया। तो उन्होंने कहा अरे आप आए तो थे और आपने तो पूरा श्राद्ध किया, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। भक्त राज को सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में डूब गए, परंतु योगक्षेम वहन करने वाले प्रभु को चैन कहाँ था। उन्हें भक्त की मर्यादा बचाने की चिंता लग गई। भक्तवत्सल प्रभु ने अक्रूर जी को व्यापारी वेश बनाकर आवश्यक सामग्री ले जाने को कहा तथा स्वयं नरसिंह का वेश बनाकर घी लेके आ पहुँचे। मणिक बाई ने उनसे पुरोहित जी को बुला लाने को कहा। पुरोहित वाला धनवान वंशीधर का निमंत्रण ठुकराकर निर्धन नरसिंह के घर क्यों जाते। स्वार्थ में अंधे हो पुरोहित ने नरसिंह को कुल पुरोहित के पद से हटाने का इस्तीफा देकर दे दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं बनूंगा। नरसिंह मेहता को इस्तीफा दे दिया। नरसिंह वेश भगवान ने रास्ते में एक मूर्ख निर्धन ब्राह्मण दिखाई दिए। भगवान ने उनसे ही श्राद्ध करने की प्रार्थना की। वे संकोच में कहने लगे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल खेती करता हूँ। तो भगवान ने कहा आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण विद्वान होने पर अहंकारी है वे तो ब्राह्मण तत्व से कोसों दूर है, मेरा कार्य तो आप ही पूर्ण कराएंगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और घर ले गए। श्री भगवान का स्पर्श पाते ही मूर्ख ब्राह्मण सारे वेदों का विद्वान बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने अत्यंत विधिपूर्वक श्राद्ध का कार्य पूरा कराया। उसके बाद भगवान ने पुरोहित जी समेत समस्त नगर जाति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। संध्या समय भक्तराज का सारा कार्य समाप्त करा के भगवान अपने अनुचरों सहित अंतर ध्यान हो गए। सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में मणिक बाई भोजन कर पाने बैठी तो देखा कि घृत का पात्र लेके नरसी चले आ रहे। वे अत्यंत देर हो जाने पर श्राद्ध ना करने के कारण मनी मन संकुचित हो रहे थे। उन्हें देखते मणिक बाई बोली स्वामी ब्रह्मबोध समाप्त करके आप ये क्या ला रहे हैं। अरे तू क्या कहती है, मैं तो सुबह घी लेने गया था, सो अब आ रहा हूँ। रास्ते में एक भगवत भक्त के साथ भजन करने रुक गया था, तभी देर हो गई। नरसिंह विस्मय से बोले तो फिर विधिवश श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया, मैंने स्वयं आपको सब कुछ करते हुए देखा था। चकित हो मणिक गौरी बोली प्रिय अवश्य मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कमाल,
मेरा स्वरूप बनाकर मेरे मोहन ने मेरे धर्म की रक्षा की। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी आंखें प्रेम अश्रु से सजल हो गई और वे अत्यंत प्रेम मगन होकर भगवत भजन करने लगे। उनकी पत्नी जो थी नरसी मेहता की, उनको बुखार आ रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये नरसी मेहता जो हैं गंगा स्नान करके आए तो एक मतलब शूद्र जाति का व्यक्ति था, तो उसने कहा कि मेरे घर आप कीर्तन कर दीजिए, मेरा बहुत मन है आपसे कीर्तन कराने। तो ये जो है वो उसके घर कीर्तन करने में लग गए। जब ये कीर्तन करने में लगते थे तो सब भूल जाते थे। भगवत प्रेम में वे कीर्तन करते जा रहे थे और उनकी आंखों में अशुद्धता बहती जा रही थी। उस समय वहाँ शांति पवित्रता आनंद का ही साम्राज्य था। रात भर भजन करने के बाद जब वे प्रातःकाल नरसिंह राम घर आए तो देखा कि पत्नी मरण आसन हाल में भगवान को पुकार रही। पति के आने पर उसने एक बार आँख खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान का नाम उच्चारण राधे श्याम राधे कृष्ण और मृत्यु लोक को सदा के लिए त्याग दिया। नरसी ने भगवान को एक मां सारा मानकर शांचित पत्नी का संस्कार किया व अस्थियाँ गंगा जी में बहा दी। इधर अंत्यज के घर कीर्तन करने के कारण पूरी जाति ने उनका बहिष्कार कर दिया, मतलब जाति से उनको निकाल दिया। दूसरे दिन कृष्ण राय नामक एक नागर के यहाँ श्राद्ध भोज था। वह नरसी के अलावा बाकी सब ब्राह्मण आमंत्रित थे। भगवान को अपने भक्त का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्हें क्या देखा कि हर ब्राह्मण के साथ एक अंतज बैठा है, हर ब्राह्मण के साथ एक शूद्र बैठा है। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, सब लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमने नरसी मेहता को से निकाल दिया जाति से, इसलिए भगवान ने ये लीला करी है और हमसे भक्त अपराध हुआ है। तो उन्होंने उनसे जाके क्षमा मांगी और जाति बोध में सम्मिलित होने को कहा। भक्त तो सभी में समान भाव रखते हैं, अत्यंत प्रेमी होते हैं। नरसी ने निमंत्रण स्वीकार किया तथा जब वे जाकर पंक्ति में बैठे तब पहले का दृश्य दूर हो गया तथा वे प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया और भगवान के भजन के प्रभाव से ही नरसी जाति बहिष्कार की विपत्ति से बच गए और कीर्तन हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, नरसी मेहता की जय, जय जय श्री राधे श्याम।